उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बल्लई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाउद गांव में आसमान से एक गुब्बारा गिरा है। आसमान से गिरे हुए गुब्बारे को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। गुब्बारे में कई इलेक्ट्रिक डिवाइस भी लगी हुई हैं और डिवाइस पर चाइनीज और कोरियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। जसपंत नगर की SDM दीप शिखा ने गुरुवार को बताया है कि बल्लई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाउद गांव में आसमान से एक सफ़ेद रंग का गुब्बारा गिरा। गुब्बारा करीब 3 फुट बड़ा है। गुब्बारे के आसपास कई इलेक्ट्रिक डिवाइस भी मिली हैं, जिस पर चाइनीज और कोरियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। गुब्बारे में GPS सिस्टम भी लगा हुआ है। गुब्बारे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया है कि यह जो बैलून है वो मौसम विभाग का बताया जा रहा है। मौके पर इटावा से टीम निकल चुकी है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इलाके में बैलून मिला है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, क्या है पूरा मामला, क्या बताया गया इसमें अभी तक? देखिए, ये बैलून जो है प्रथम दृष्टया बताया गया है कि मौसम विभाग का है और इसके लिए कृषि विभाग की टीम मौके पर जा रही है और इसकी जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अब तक क्या पता चला, कहाँ से आया, कैसे गिरा? अभी मौसम विभाग के, ये कृषि विभाग के लोग गए हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो मौसम विभाग के अधिकारियों की मदद। इसमें कोई डिवाइस टाइप की मिली है जिसमें विदेशी भाषा? अब वो सारी की सारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जांच अधीन। क्या पहले भी इस तरह की डिवाइस क्षेत्र में मिली है? अब ये नहीं।